अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज सिग्नल एंड डिफाइन इट्स टाइप्स। मतलब आज हम देखने जा रहे हैं कि एक सिग्नल क्या होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डेटा ओवर नेटवर्क। सिग्नल करंट की एक वेव होती है या रोशनी की एक लहर होती है जो नेटवर्क के ऊपर हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा इन द नेटवर्क यूजिंग वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। पहले जब हमने डेटा कम्युनिकेशन को पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे पास दो डिवाइसेज होती हैं, कोई एक सेंडर होता है, कोई एक रिसीवर होता है, और सेंडर जो है डेटा सेंड करता है रिसीवर को, और उनके बीच में ट्रांसमिशन मीडिया होता है। अब वो ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, और उस मीडियम के ऊपर करंट की लहर या रोशनी की किरणों की सूरत में हमारा डाटा मूव होता है। तो वो करंट की लहर या वो रोशनी की लहर जो हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर तक लेके जाती है वो सिग्नल कहलाती है। सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। Analog signals are continuous electrical signal in the form of wave, which continuously changes over the time. ये एक करंट की लहर होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, मुसलसल ओवर द ग्राफ ये अपने आप को चेंज करती रहती है। This wave is also called carrier wave. इसे हम carrier wave भी कहते हैं। और चूंकि आज के दौर में इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है और इंटरनेट जो है वो टेलीफोन लाइंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, सो टेलीफोन लाइंस जो है ये एनालॉग सिग्नल्स लेके जाती हैं। इसके साथ साथ लाइट, साउंड और प्रेशर, ये तीनों भी एनालॉग सिग्नल्स की ही एक एग्जांपल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्राफ के ऊपर हमारे पास ये एक रोशनी की किरण है या करंट की एक लहर है जो पहले पॉजिटिव साइड पे जा रही है और कंटिन्यूसली एक्स एक्सिस के ऊपर वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है। होते होते पहले वो अपने पीक की तरफ गई और पीक से जाके उसने रिड्यूस होना शुरू किया, अब उसकी ताकत कम होना शुरू हुई। एक वक्त आया जब वो वापस एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू जीरो हो गई, उसके फौरन बाद उसने नेगेटिव साइड पे ग्रो करना शुरू किया और नेगेटिव पीक पे जाके वापस उसने जीरो की तरफ ट्रेंड करना शुरू किया, आखिरकार वो दोबारा जीरो। इस तरह अगर हम आगे देखें तो मुसलसल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑसिलेट कर रही है। एनालॉग सिग्नल की दो खासियतें होती हैं, दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स इटसेल्फ इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। एक सेकंड के दौरान हमारी जो एनालॉग सिग्नल है, हमारी जो वेव है, वो कितनी दफा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ऑसिलेट करती है, वो तादाद, उसके ऑसिलेशंस की तादाद हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसको साइकल्स पर सेकंड या हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। और दूसरी खासियत जो हम देखेंगे वो है एम्पलीट्यूड, द हाइट ऑफ सिग्नल एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। एक्स एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस होता है, उसकी जो हाइट होती है, वो पॉजिटिव साइड पे हो या नेगेटिव साइड पे हो, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, एक्चुअली ये हमें बताता है कि हमारा सिग्नल कितना ताकतवर है। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। इस वक्त हमारी स्क्रीन पे जो चीज आप देख रहे हैं ये एक साइकिल है, 360 डिग्री का एक जो कंप्लीट पैटर्न होता है ये हमारा एक साइकिल कहलाता है। और अब इस वक्त आप अपने सामने एक एनालॉग सिग्नल देख रहे हैं, उसके अंदर भी आपको दिखाया गया है कि यहां से लेके ये कंप्लीट पैटर्न जो है ये हमारा एक साइकिल है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इतना टाइम जो है ये एक सेकंड है। आपके सामने एक सेकंड का पोर्शन उठाया गया एक सिग्नल का, उसके अंदर हम देखते हैं कि टोटल कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए। तो यहां से लेके यहां तक एक सेकंड, यहां से यहां तक दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, यहां पांचवा, छठा,
सातवां, आठवां और नौवां। तो एक सेकंड के अंदर हमारे नौ साइकल्स कंप्लीट हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 हर्ट्स है। तो हमारी जो दूसरी टाइप है वो है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स रेप्रेजेंट्स डेटा इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है इसके अंदर डाटा इलेक्ट्रिकल पल्सेस की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और पल्सेस दो ही होती है हमारे पास, या तो ऑन पल्स होती है और या ऑफ पल्स होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास या तो पॉजिटिव साइड पे उसकी कोई वैल्यू है या नेगेटिव साइड पे वैल्यू है, और जो भी वैल्यू है वो मुस्तकिल है, वो तब्दील नहीं हो रही एक्स एक्सिस के ऊपर। पॉजिटिव साइड पे जो वैल्यू है उसे हम ऑन पल्स कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड पे वैल्यू उसे हम ऑफ पल्स कहते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि जितनी भी पल्सेस हैं वो या तो ऑन हैं या ऑफ हैं। डिजिटल सिग्नल जो होता है ये बहुत तेज तरीन होता है और एफिशिएंट होता है, इसमें एरर्स का चांसेस भी कम होते हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डेटा, सो डेटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल सिग्नल्स। अब जो कि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और इसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर का जो डाटा है वो सारे का सारा डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा कि एक सिग्नल क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स की आगे क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उम्मीद है कि इस टॉपिक को सुन के आपने पूरी तरह समझा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ की खबर आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।